हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीस्केप्स। आपका स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपका प्यार देने के लिए, हमारे चैनल को लाइक देने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे, आप सभी का आभारी हूँ। आज बैक टू बैक हमारा ये दूसरा शिपमेंट है। ये सितंबर महीने का बस शुरुआती हफ्ता है और दो दिन के अंदर हमारा ये दूसरा बड़ा शिपमेंट है। पिछले वीडियो में आप देखे हैं कि बहुत बड़ा शिपमेंट और बहुत बहुत बढ़िया फिशेस, बहुत अच्छे कलेक्शन के फिशेस और बहुत वैरायटी फिशेस बहुत क्वांटिटी में आया था। और आज का जो ये शिपमेंट है, ये शिपमेंट में बहुत सारे एक्सक्लूसिव फिशेस है और इस एक्सक्लूसिव फिशेस के साथ काफी क्वांटिटी में ये एक्सक्लूसिव फिशेस है जो इतने क्वांटिटी में आपको शायद इंडिया में कहीं पर मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम द ओशन, अपार्ट फ्रॉम द सी। समुद्र में तो मिलेंगे, लेकिन समुद्र के बाहर अगर कहीं मिलेंगे तो वो सीस्केप्स में मिलेंगे। सो फॉर व्हाट यू आर वेटिंग, आप सीस्केप्स में आइए, हमारे शोरूम पे आइए, हमारे ये शोरूम देखिए, ये सारे फिशेस को देखिए, रिलेट कीजिए, इन्हें जानिए, इन्हें समझिए और आपको जो पसंद है वो आप लेके जा सकते हैं। और ये हमारा शोरूम है। आप जो लोग, बहुत लोग हमसे पूछे कि हमारा शोरूम का लोकेशन कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, उनके लिए मैं ये डिनोट करना चाहता हूँ। हमारा ये शोरूम, हमारा ये हेड ऑफिस, ये कम्प्लीटली मेरीन एक्वेरियम का शोरूम है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मेरीन एक्वेरियम का शोरूम है। ये मेरीन एक्वेरियम का शोरूम वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा मेरीन एक्वेरियम का शोरूम है। और हाँ, ये शोरूम लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। मैं बंगाली हूँ, बहुत लोग वेस्ट बंगाल में रहते हुए भी मुझे नहीं जानते हैं, ये वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में और जोधपुर में है। जो हमारे शोरूम के साथ या हमारे सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्टेड है, शोरूम को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये हमारा कंप्लीट शोरूम है। अभी आप देख रहे हैं सारा लाइट ऑफ है क्योंकि ये मिडनाइट है और मिडनाइट में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो सारे फिशेस को रिलीफ देने के लिए ताकि स्ट्रेस ना हो, इसलिए हम टैंक का लाइट ऑन नहीं किए हैं। ये धीरे धीरे हम ऑन करेंगे, जैसे बाद में ऑन होता रहता है। तो ये शोरूम पे आप आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। कभी भी इंडिया के कहीं से भी आओ, वेस्ट बंगाल आओ, कोलकाता आओ, तो हमारे शोरूम पे जरूर आओ। और जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि आपको तो आना ही चाहिए हमारे शोरूम में। आप एक्वेरियम के हॉबी करो या ना करो, मेरीन आपका हो ना हो, हमारे पास मेरीन फ्रेश सब कुछ है। फ्रेश वाटर के बहुत सारे मॉड्यूल है, बहुत सारे फीचर्स है, सब कुछ है। वो आप करो ना करो, वो आप रखो ना रखो, लेकिन हमारे शोरूम पे आओ। ये शोरूम का लुक जो है, ये आप देखो, इतना हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि ये वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा मेरीन एक्वेरियम का शोरूम है। और यहाँ पर इतने सारे मेरीन एक्वेरियम के फिशेस का वैरायटी है। हमारा प्रीवियस स्टॉक, दो दिन पहले का स्टॉक और आज का स्टॉक, ये दो स्टॉक मिलाकर हमारे पास ऑलमोस्ट 100 वैरायटी ऑफ मरीन फिशेस है। यस, 100 वैरायटी, मोर देन 100 वैरायटी ऑफ मरीन फिशेस है और मोर देन 700 नंबर फिशेस है। 700 से ज्यादा मरीन फिशेस हमारे पास स्टॉक में है। दो दिन का दो शिपमेंट मिलाकर दिस माइट बी द लार्जेस्ट शिपमेंट इन नंबर एंड इन स्केल जो वेस्ट बंगाल में लोग टर्नओवर करते हैं या रखते हैं। ये हमारा कैपेसिटी है, ये हमारा स्ट्रेंथ है कि हम इतने मेरीन फिशेस को रख सकते हैं और इन्हें बेहतरीन कंडीशन में रख के हम आपको भेज सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। और एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इंडिया के जो दूसरे स्टेट से हमें फ़ोन करते हैं उनके लिए मैं ये छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत लोग पर्टिकुलर एक फिश, दो फिश या दो चार फिश के लिए हमें फ़ोन करते हैं जो हॉबीस्ट है। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। अभी तक हमारा जो सर्विस है वो दो चार फिश भेजने लायक नहीं है, कम से कम वन बॉक्स फिश। अगर आपको एक फिश लेना है, आप हमारे शोरूम में आके एक फिश भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें स्टेट के बाहर भेजना है, उड़ीसा, झारखंड, रांची, बेंगलोर, बॉम्बे, कहीं पर भी भेजना है, हम जरूर भेज सकते हैं, थ्रू फ्लाइट भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट वन बॉक्स फिश होना है। आप एक बॉक्स फिश लीजिए, अगर आप एक भी फिश लेते हैं तो एक बॉक्स का ही चार्ज आपको लग जाएगा, तो वो अननेसेसरी हो जाएगा। तो एक बॉक्स अगर आप जितना क्वांटिटी में लोगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन उतना कम हो जाएगा। और जो लोग सिर्फ अपने पर्सनल टैंक के लिए दो चार फिश ही हमसे मांगते हैं दूसरे स्टेट से, उनके लिए मैं हार्टिली सॉरी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी फिलहाल अभी तक वो सुविधा उपलब्ध नहीं है कि हम दूसरे स्टेट में दो चार फिश भेज सकें।
दूसरे सेट में हम फिश तो भेज सकते हैं लेकिन थोड़ा क्वांटिटी में, मिनिमम क्वांटिटी में, एक वाटर बॉक्स और थ्रू फ्लाइट। बहुत लोग हमें बोलते हैं कि बस से भेजो या ट्रेन से भेजो, हालांकि ये मरीन फिशेस है, डेलिकेटेड भी है और टेम्परेचर सेंसिटिव भी है, तो बस और ट्रेन से अगर हम ये फिश भेजिए तो इसे डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली फिशेस है तो बस ट्रेन से भेजिए तो आपका ही नुकसान होगा, ये फिशेस डैमेज हो सकते हैं, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि थ्रू फ्लाइट अगर ये फिश आप रिसीव कर सकते हैं कहीं पर भी ऑल अराउंड द इंडिया किसी भी कोने में अगर आप रिसीव कर सकते हैं तो हम भी थ्रू फ्लाइट मिनिमम वन बॉक्स फिश भेज सकते हैं आपको, और रिजनेबल प्राइस में, डेफिनेटली रिजनेबल प्राइस में हम आपको भेज सकते हैं। तो अगर कोई हॉबीस्ट है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 4-5 फ्रेंड को गैदर कीजिए, एक साथ ऑर्डर दीजिए और 3-4 लोगों का ऑर्डर एक साथ लेकर इनबॉक्स फिश मंगाइए, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए प्राइजेस। या तो फिर अगर कोई सेलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा फिश हमसे मंगा सकते हैं तो उस हिसाब से उनका जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो यही कहना चाहूंगा, ये कहने के बाद मैं आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि आज हमारा जो बड़ा शिपमेंट आया है, ये सेकेंड शिपमेंट इन द मंथ ऑफ सितंबर, वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपमेंट, लार्जेस्ट वैरायटी, बहुत सारा वैरायटी और बहुत सारे क्वांटिटी के बहुत बहुत ब्यूटीफुल फिशेस है। ये सारे फिशेस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ये सारे फिशेस को देखिए, ये नॉलेज गैदर कीजिए और एंजॉय कीजिए। Please have a look. See you. आज हमारा पहला पैकेट है, पहला फिश है विच वी आर गोइंग टू ड्रिप इज ब्यूटीफुल पिको फ्रेश। ये अभी हालांकि कलरलेस है, ये कलर आ जाएगा जैसे पिको फ्रेश। ये हमारा नेक्स्ट जो पैकेट है ये भी है पिको फ्रेश। ये जो हमारा फिश है अ ब्यूटीफुल बर्ड नोज रैश, आप देख सकते हैं इस फिश के नाम से ही आपको पता चलता है कि इसका नोज बर्ड जैसा है, इट्स अ ब्यूटीफुल बर्ड नोज रैश। फिश ऑसम लुकिंग फिश, ऑसम लुकिंग फिश। बटरफ्लाई, इट्स येलो हेड बटरफ्लाई, यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द फिश, अ येलो हेड बटरफ्लाई। It's another yellowhead butterfly. Wow! आज का ये बहुत बहुत बढ़िया एक्सक्लूसिव आइटम है, इट्स बैनर फिश, इट्स
wimple, you can see the beauty of the fish. It's banner fish, it's wimple. It's another fish. देखते हैं ये कौन सा मछली है. ये डायना हॉक है, एक सेमी एडल्ट डायना हॉक है. हमारा एक और डायना हॉक. यहाँ आ गया हमारा एक और बर्ड नोज रैश. इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल बर्ड नोज रैश. It's another Dana Hawk. Wow! I always waited for this fish. It's Clarky Clown. मैं इसको Candy Clown भी कहता हूँ. आज हमारे पास काफी सारे Clarkies हैं. It's another Clarky Clown. One more Clarky. Another Clarky. बहुत बहुत सारे Candy Clown आपको मिलने वाले हैं. You can see the beauty of this clown. It's an orange color, black, white, orange, a beautiful Clarky Clown. One more Clarky. Bahut baniya size aur bahut baniya color. Ek aur Clarky. Lagta hai hamara is box mein se Clarky nikal rahe hain. Ye box Clarky ka hi box hoga. It's raining of candies. आपको कितना Clarky Clown चाहिए, कितना पीस चाहिए, सिस्कस में आपको मिल जाएंगे. Another Clarky. यहाँ पर हम एक और हॉकफिश दे रहे हैं. एक और Clarky. You can see the size of the Clarky. Oh, superb size, awesome size. It's almost 4-inch size Clarky. और एक हॉकफिश. ये हो गया हमारा डायना हॉक के ग्रुप. और इस तरफ डाल देते हैं हम Clarky के ग्रुप. क्या जा रहा है हमारा एक बैनर फिश. एक और बैनर फिश. इट्स विंपल्स. इट्स वेरी गुड. यू कैन सी द फिन एंड इट्स कलर कॉम्बिनेशन. इट्स ऑसम. देखते हैं इस पैकेट में क्या फिश है. Very beautiful, a small size of selfing tank, a superb yellow color selfing tank.
बहुत बढ़िया साइज और बहुत बढ़िया कलर का सेल्फिंग टैंक है। ओह लवली 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 सेल्फिंग टैंक्स। एचटी पहले बोलो तो एचटी ही ये हो गया हमारा एक और सेल्फिंग टैंक। आप देख सकते हैं कितना हेल्दी फिश है और कितना खूबसूरत फिश है। ये हो गया हमारा एक और सेल्फिंग टैंक। आज मानो यहाँ पर फिशेस की बारिश होने वाली है। यू कैन सी कि हम कितने बॉक्सेस फिशेस मंगाए हैं। एज यू नो वी आर द लार्जेस्ट मरीन फिश सप्लायर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो ईस्टर्न इंडिया को हम कवर कर रहे हैं, उड़ीसा झारखंड बिहार आसाम वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के साथ जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पर सारे स्टेट्स में हम सप्लाई करते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट विथ अस और आप लोगों को बेहतर से बेहतर फिश देने के लिए हम इतने सारे क्वांटिटी में फिश लाते हैं। ये कौन सा फिश है? ओ, एक छोटा सा लाइंड बटरफ्लाई भाग गया। अनदर सेल्फिंग टैंक। ये है लाइंड बटरफ्लाई। इट्स टू गुड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल लाइंड बटरफ्लाई। ये तो ज्यादा ही छोटा गोल्डन ट्रेवली मिल गया मुझको। अनदर सेल्फिंग टैंक। यहाँ पर क्या क्या फिशेस आ रहे हैं। ये है क्लाइंट बटरफ्लाई, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है लेकिन ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। ये है एक सेल्फिंग टैंक, यू कैन सी। अनदर सेल्फिंग टैंक। एक छोटा सा गोल्डन ट्रेवली। हमारा सेल्फिंग टैंक। एक और सेल्फिंग टैंक। एज यू नो वी आर नोन टू ऑर्डर इन अ क्वांटिटी। आज हमारे पास जो भी वैरायटी है बहुत सारे एक्सक्लूसिव वैरायटी है और हर एक वैरायटी का बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, ताकि इतने क्वांटिटी में मंगाने का कारण है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड को पूरा कर सकें। आपको जो भी मरीन फिशेस चाहिए वो ऑर्डर आपका फुलफिल कर सकें। अनदर गोल्डन कैविटी। One more surfing tank. Surfing tank again. बहुत दिन से लोग मुझे बोल रहे थे कि they are wanting surfing tank. कब surfing tank आएगा, कब surfing tank आएगा, हमें surfing tank चाहिए। लीजिए आपके लिए हमने बहुत सारे surfing tank लाए हैं।
आपको कितना सेल्फ इंटेंट चाहिए, यू कैन गेट इट फ्रॉम अस। सुपर्ब साइज, ये तो है एक एनिमोन, एनिमोन को हम डायरेक्टली टैंक में डाल दे रहे हैं। ये है पर्पल टिप शॉर्ट टेंटेकल एनिमोन, ये टेंटेकल एनिमोन है और पर्पल टिप है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी छोटा सा है, ये बड़ा हो जाएगा थोड़ी देर में, जैसे ही सेट होगा ये बड़ा हो जाएगा। Another selfie tank. Another butterfly. ये कौन सा butterfly है देखते हैं, It's chevron butterfly. It's very nice. It's exclusive chevron butterfly. Another chevron butterfly. I missed it to catch. ये रहा another selfing tank. बहुत छोटा छोटा selfing tank है। आज मैंने खास कर थोड़ा छोटा साइज का फिश मंगाया है, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर आस्किंग टू मी, बहुत लोग आप लोग बोलते हो कि छोटा एक्वेरियम है, छोटा मरीना है आप लोगों का, छोटा मरीना एक्वेरियम के लिए जो फिशेस अकोमोडेट हो सकते हैं वैसा कुछ फिश चाहिए। तो ये जो साइज है फिशेस के, ये बहुत अच्छा साइज है, ये शेवरॉन बटरफ्लाई अनदर। अगर किसी का 2-3 फीट का एक्वेरियम है मरीन, तो वहां पर ये सारे फिशेस बहुत अच्छी तरह से एकोमोडेट हो सकते हैं। लाइंड बटरफ्लाई, अभी ये डिसकलर हो गया है, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है। एक और सेल्फिन टैंक, फ्रेश वाटर का जो डिस्कस है, ये सेल्फिन टैंक, मरीन का सेल्फिन टैंक फ्रेश वाटर के डिस्कस के शेप का होता है, लेकिन उस डिस्कस से काफी काफी ज्यादा हार्डी होता है। सेल्फिन टैंक का फीचर है कि बहुत ही हार्डी फिश है। देखते हैं इस पैकेट में क्या है। वन मोर येलो सेल्फिन टैंक, ये येलो कलर का फिश है, बहुत लोग येलो कलर का फिश बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर भी एक बटरफ्लाई है, लाइन बटरफ्लाई, ये लाइन बटरफ्लाई सेल्फिंग टैंक। अच्छा, एक छोटा सा क्लर्की क्लाउन है, वाओ, यहीं पर छोड़ देता हूँ। अब बेबी क्लर्की, यू कैन सी, ओह वेरी स्वीट, वेरी स्वीट, अ बेबी क्लर्की क्लाउन। ठीक है, क्लर्की को मैं क्लर्की के साथ ही छोड़ देता हूँ। Another baby clerky. Chevron butterfly. Oh, beautiful. Yeah, checkerboard rash. चला गया। और surfing tank. एक और शेवरॉन बटरफ्लाई, एक हो गया, ये भी एक पिंक शॉर्ट टेंटेकल एनिमल है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, ये पिंक टिप शॉर्ट टेंटेकल एनिमल है।
एक और शेवरॉन बटरफ्लाई, एक और सल्फिन टैंक, एक और शेवरॉन बटरफ्लाई। देखते हैं इसमें क्या है। ओह, वेरी गुड साइज ऑफ शेवरॉन बटरफ्लाई, फुल कलर। आप देख सकते हैं इसका कलर क्या है, ब्यूटीफुल कलर। अनदर लाइन बटरफ्लाई, अ वेरी गुड साइज ऑफ लाइन बटरफ्लाई। इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट, इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट थ्रेड फिन बटरफ्लाई, अ वेरी गुड साइज ऑफ थ्रेड फिन बटरफ्लाई। आज हमारे पास आ गया है बहुत खूबसूरत स्वीट लिप्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत स्वीट लिप्स। अनदर थ्रेड फिन बटरफ्लाई, आई ऑलवेज लव दिस बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई बहुत ही हार्डी होता है, ये रहा एक और खूबसूरत बटरफ्लाई। ओह, ब्यूटीफुल साइज एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल कलर, येलो हेड बटरफ्लाई। ओह माय गॉड, इट्स ऑसम, माइंड ब्लोइंग कलर एंड साइज। बहुत प्यारा सा छोटा सा लाइंड बटरफ्लाई। अनदर स्वीट लिप्स, अ ब्यूटीफुल साइज, अ गुड साइज एंड ब्यूटीफुल कलर। एक और स्वीट लिप्स, एक और लाइंड बटरफ्लाई, बहुत खूबसूरत कलर और खूबसूरत साइज। टेंसल्स हैं, ये येलो टेल क्रोमीज हैं, येलो टेल क्रोमीज। ये रहा हमारा एक और स्वीट लिप्स, और यहाँ रहा हमारा एक और क्लार्की क्लाउन, कहाँ गया, हाँ ये रहा एक और लाइन बटरफ्लाई। ये रहा हमारा एक और क्लार्की, जॉइंट साइज ऑफ येलो हेड बटरफ्लाई। Awesome. A giant size of yellowhead butterfly. एक और लाइन बटरफ्लाई, इसमें देखते हैं क्या बटरफ्लाई है। Oh gosh, it's beautiful raccoon butterfly. बहुत बहुत बढ़िया, इट्स वेरी रेयर एंड वेरी एक्सक्लूसिव। हाय गाइस, यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप आज देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे बटरफ्लाईज हैं। पर्टिकुलर मैं बटरफ्लाई के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ। ऑल अराउंड द इंडिया बटरफ्लाई वेरी पॉपुलर फिशेस है। इंडिया के वेदर में, इंडिया के इंडियन टेम्परेचर में बटरफ्लाई बहुत अच्छे रहते हैं, तो बटरफ्लाई इज वेरी गुड फिश। बट यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ खास बटरफ्लाई है जो अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन वो बटरफ्लाई ना ही एक्वाटिक कंडीशन में, एक्वेरियम के कंडीशन में कोई ड्राई फूड लेता है, ना ही कोई अलग फूड लेता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप वो बटरफ्लाई, बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई है, आप उसे खरीदते हो, आप उसे लाते हो, रखते हो, लेकिन दो दिन, चार दिन, पाँच दिन बाद या एक हफ्ता, दो हफ्ता बाद वो बटरफ्लाई डेथ कर जाते हैं। तो मैं पर्टिकुलर कुछ बटरफ्लाई का नाम कहना चाहूँगा, और ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये बटरफ्लाई से आप थोड़ा कॉशस रहिए। ये बटरफ्लाई एक्वेरियम में नहीं रहने वाले हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो
इनका जो फूड है जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन कोरल के ऊपर जो फूड है, ये फूड आप एक्वेरियम में इन्हें नहीं प्रोवाइड कर सकते। मैं पहला जो नाम लूंगा बहुत ही खूबसूरत है, वो है ब्लू ब्लोज बटरफ्लाई। कंप्लीट येलो कलर का होता है, मैं यहाँ पर स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ इसका पिक्चर। एक ब्लू ब्लोज बटरफ्लाई येलो कलर का होता है, ब्लू एक शेड होता है। ये ब्लू ब्लोज बटरफ्लाई बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन ये ब्लू ब्लोज बटरफ्लाई बहुत डेंजरस फिश है। डेंजरस इन द सेंस ये खुद कभी ठीक नहीं रहता है टैंक में, और ये आने पर, ये जो मैं 5-6 बटरफ्लाई का नाम कह रहा हूँ, ये बटरफ्लाई आपके टैंक के आने पर काफी सारे डिजीज स्प्रेड करते हैं और दूसरे फिश को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, और ये फिश खुद भी जिंदा नहीं रहते हैं और अपने टैंक मेट को लेकर डेथ हो जाते हैं। पहला है ब्लू ग्लोज बटरफ्लाई। नेक्स्ट बहुत अच्छा खूबसूरत मार्वेलस कलर है मेलन बटरफ्लाई। मेलन बटरफ्लाई भी बहुत इजीली अवेलेबल है, बट ये भी फूड नहीं लेता है एक्वेरियम में। ड्राई फूड नहीं लेता है का मतलब है ड्राई फूड नहीं लेता है, कोई सिंथेटिक फूड नहीं लेता है, सिर्फ नेचुरल फूड के ऊपर लिव करता है जो आपके लिए देना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है रेडटेल बटरफ्लाई। रेडटेल बटरफ्लाई भी बहुत खूबसूरत है, इसे पाकिस्तानी बटरफ्लाई भी कहते हैं। इसका बहुत वाइट स्पॉट होता है, बहुत ज्यादा फंगल डिजीज होता है, इन्फेक्शन होता है। ये बटरफ्लाई बहुत हार्मफुल होता है टैंक के लिए, इन द सेंस कि ये रखने पर आपका टैंक में दूसरे नेट भी डेंजरस हो सकता है। तो ब्लू ग्लोज बटरफ्लाई हो गया, मेलन बटरफ्लाई हो गया, आपका रेडटेल बटरफ्लाई हो गया, कुछ हद तक आपका वेगाबॉन बटरफ्लाई भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है, और कुछ हद तक एडवेन बटरफ्लाई भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो ये कुछ बटरफ्लाई ग्रुप है। बटरफ्लाई आप जब भी बटरफ्लाई ग्रुप के फिशेस लो, और भी वैरायटी है जो भी बटरफ्लाई ग्रुप के फिशेस लो, पहले आप जान लो कौन सा बटरफ्लाई बहुत बढ़िया है, कौन सा बटरफ्लाई आपके टैंक में ड्राई फूड लेता है, और कौन सा बटरफ्लाई बहुत लॉन्ग टर्म में आपके टैंक में रहेगा और दूसरे टैंक मेट को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जो बटरफ्लाई अच्छी तरह से रहते हैं उसमें से है रेकून, वेरी गुड बटरफ्लाई, थ्रेडफिन बटरफ्लाई, वेरी गुड बटरफ्लाई, लाइंड बटरफ्लाई, वेरी गुड बटरफ्लाई, ब्लैक बैक बटरफ्लाई, वेरी गुड बटरफ्लाई, विम्पल, वेरी गुड बटरफ्लाई, येलो हेड बटरफ्लाई, वेरी गुड बटरफ्लाई। तो दीज ऑल आर द बटरफ्लाई जो बहुत अच्छे बटरफ्लाई है, तो ये आप रख सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं बटरफ्लाई बोला हूँ 5-6 बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई रखना सही नहीं होता। चलिए हम हमारे शिपमेंट का बीच में हम आपको ये बोल दिए, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। आज हमारे पास काफी सारे पिंक टीप एनिमल्स आए हैं, शॉर्ट टेंटेकल, पर्पल टीप, पिंक टीप, ब्लू टीप। ये बहुत ही रेयर एनिमल में से है, एक्सक्लूसिव एनिमल्स। ये सारे एनिमोन का क्लोज व्यू आप देखेंगे, ब्लू टिप है, पर्पल टिप है, पिंक टिप है, शॉर्ट टेंटेकल एनिमोन है, पर्पल टिप, ब्लू टिप, पिंक टिप। देखते हैं इसमें क्या फिश है। ओ अ लवली पिक्सी हॉक, बहुत खूबसूरत कलर है, अभी फेड हो गया है, इसका कलरेशन आ जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ पर ओ सुपर्ब ऑरेंज कलर की, यह बहुत ही रेयर है, छोटा साइज है, ऑरेंज कलर की, इट्स रेयरली अवेलेबल। यहाँ पर देखते हैं कौन सा वाला फिश है, एक पिक्सी हॉक था, मिस हो गया, कैच मिस कर गया मैं। अनादर क्लार्की, अनादर ऑरेंज क्लार्की, ये भी ऑरेंज क्लार्की है। ऑरेंज क्लार्की का ब्लैक शेड बहुत कम रहता है, बॉडी में ऑरेंज पार्ट ज्यादा रहता है। ये भी एक ऑरेंज क्लार्की है, काफी सारे ऑरेंज क्लार्की आ रहे हैं। ये एक और पिक्सी हॉक, बहुत ही बढ़िया। ओह लवली पिक्सी हॉक, रियली लवली पिक्सी हॉक।
रियली कूल। इसको मैं हाथ में ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, फिर भी लेके दिखा दे रहा हूँ। आप एक ही बार में देख लीजिए, उसके बाद मैं पैकेट छोड़ दूंगा। इस ग्रुप ऑफ डॉक्टर रैशेस, ओके। आज बहुत बहुत बढ़िया सा इसका और बहुत सारा डॉक्टर रैशेस है। इसको पहले ही डॉक्टर बताऊंगी, बहुत सारे हैं, मैं इनको हाथ से नहीं ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पैकेट से ड्रॉप कर रहा हूँ। एक और ऑरेंज कलर की कैच मिस ड्रॉप हो गया। ओह सुपर, बहुत बढ़िया। एक फिगर फिश है, इस फ्लैट टेल फिगर। इसका टेल देखिए, इसका टेल ही इसका स्पेशलिटी है, इस फ्लैट टेल फिगर। ओह लवली टाइनी क्लार्की क्लाउन। किसी का भी छोटा सा मेरिन एक्वेरियम हो तो ये क्लार्की क्लाउन जरूर रखना चाहिए। चिकर वुड रैश है, एक और ऑरेंज कलर की। आप सिर्फ कलर देखिए, ऑरेंज कलर की का, ओह कंप्लीट ऑरेंज कलर का कलर की है। इट्स वेरी वेरी रेयर फिश ऑरेंज कलर की। बहुत साल बाद मुझे ये कलर की मिला, कंप्लीट ऑरेंज। हार्डी डैम्सल है, सार्जेंट मेजर डैम्सल। बहुत बढ़िया साइज का एनिमल है, बहुत ही अच्छा साइज है। बहुत बढ़िया साइज का एनीवन। अगेन अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर रैश। ये मैं हाथ में नहीं ले रहा हूँ, ये डायरेक्ट मैं यहाँ लीव कर दे रहा हूँ इन्हें। अभी आप देख सकते हैं मैं इस तरह से ले रहा हूँ ताकि कैमरा में अच्छी तरह से आए। सर्जन मेजर डैम्सल, एक और पैक है हमारा डॉक्टर रैश का। बहुत सारा क्रोमीज है, क्रोमीज ग्रुप में रहते हैं। कोई भी नया टैंक में आप ग्रुप में क्रोमीज रख सकते हो। ये रहा हमारा रेड हॉक, इट्स वेरी गुड वेरी ब्यूटीफुल फिश रेड हॉक। वेरी ब्यूटीफुल एम्परर एंजल, इट्स अबाउट टू बी एडल्ट। अभी तक फुल 100% एडल्ट नहीं हुआ है एम्परर एंजल। इट्स वेरी नाइस थ्री स्पॉट डैम्सल, इट्स कंप्लीट ब्लैक कलर, वेरी हार्डी थ्री स्पॉट डैम्सल। हमारे पास बहुत सारे थ्री स्पॉट डैम्सल्स भी हैं। सेट का क्रोमीज, येलो टेल क्रोमीज, लवली ब्यूटीफुल एम्परर एंजल। Oh, superb color, awesome color. It's beautiful emperor angel. Yeah.
लाप मार देंगे माल गुलो है। बहुत सारे गोबीज हैं, बहुत ही हार्डी गोभी हैं। इस फिश का मैं शायद नाम आपको बोलना भूल गया था, इट्स पिंक स्नैपर, इट्स वेरी गुड फिश। नाम तो मैं बोलना, लवली लवली साइज एंड लवली कलर, ब्लू रिंग एंजल। आई ऑलवेज वेटेड फॉर दिस फिश, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, ब्लू रिंग एंजल, इट्स ऑसम। हमारे सारे टीम मेंबर बहुत बहुत डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर वर्क एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि ये डे नाइट में शिफ्ट करते हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं और नाइट में भी ये होल नाइट शिफ्टिंग दे रहे हैं, फुल एफर्ट दे रहा है। आज सीस्केप्स सक्सेसफुली इतना सर्विस दे पा रहा है आप लोगों को, इतना अच्छा काम कर पा रहा है ड्यू टू ऑल ऑफ आवर स्टाफ्स एंड क्रू मेंबर्स, जो इनका इतना एफर्टलेस जो ये मेहनत से काम कर रहे हैं बिना थके बिना रुके, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा मेरे सभी टीम मेंबर्स को जो डे एंड नाइट वर्क कर रहे हैं बस आप सबको अच्छा सर्विस देने के लिए। एक और पिक्सी हो, इस बार मैंने कैच मिस नहीं किया। हमारा एक और विंपल, ओह लवली फिन है इसका, बहुत बढ़िया। अब मैं जो फिश निकालने जा रहा हूं इस सुपर्ब साइज एंड एक्सक्लूसिव कलर इस जुवेलाइन एम्परर एंगल, ये कलर और ये ब्यूटी आपको मेरिन फिश छोड़कर और किसी भी फिश में नहीं मिलेगा। इस माइंड ब्लोइंग एम्परर जुवेलाइन एम्परर एंजल, चलिए हमारा एक और एंजल मिल गया। आउच, इट्स येलो फिन एंजल और यू कैन से मिडनाइट एंजल। हमारा एक और रेड हॉक, एक और रेड हॉक पे रेड हॉक, यहाँ पर आ जाता है हमारा एक सेल्फिन टैंक, एक बड़ा साइज का, थोड़ा बड़ा साइज का सेल्फिन टैंक। ये इसका फिन का फैलना आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिन फैला के रहता है। ये रहा ग्रीन बबल टी एनीमोन और लॉन्ग टेंटेकल एनीमोन भी है, यहाँ पर ग्रीन कलर के लॉन्ग टेंटेकल एनीमोन भी है और बबल टी एनीमोन भी है, काफी सारे हैं। चलिए अब इन्हें हम छोड़ देते हैं कि टैंक में, इनके रेस्पेक्टिव टैंक में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लॉन्ग टेंटेकल एनीमोन है और बबल टी एनीमोन भी है। एक और खूबसूरत पिंक फेस चेकरबोर्ड रैश, बहुत बढ़िया कलर और साइज। ये जो रैश है पिकॉक रैश, ये रैश का नाम से ही आपको पता चलता है, इस कंप्लीटली इंडियन का जो नेशनल बर्ड है हमारा पिकॉक, इस पिकॉक बर्ड के ऊपर इसका नाम है और इसका कलर भी कंप्लीट पिकॉक की तरह है। इसका ये मूव हो गया,
देखते हैं इसे। और बहुत ही खूबसूरत एनिमल है, एक और बहुत खूबसूरत एनिमल है, और ये देखते हैं कौन सा है। ये ब्लू टिप शॉर्ट टेंटिकल एनिमल है। ओह सुपर्ब, ये है कोरन एंजल, जुवेलाइन कोरन एंजल, एक्सेप्शनल कलर जुवेलाइन कोरन एंजल। आज हमारे पास जो एंजल और बटरफ्लाई का वैरायटी आया है, ये आइस बॉबलिंग कलर साइज एंड शेप और वैरायटी इस कोरन एंजल, इस एम्परर एंजल, जुवेलाइन एम्परर एंजल। एक और जुवेलाइन एम्परर एंजल, सुपर्ब सुपर्ब। ब्यूटीफुल कलर जुवेलाइन कोरन एंजल, ये जुवेलाइन कलर का है। इसमें ये है येलोफिन एंजल, बहुत ही खूबसूरत साइज जुवेलाइन कोरन एंजल का। कोरन जुवेलाइन है, एम्परर हो गया, चारटे बना पार्टी के लिए। ओह क्या कलर है, क्या साइज है, क्या शेप है, बहुत बढ़िया फिश है, बहुत हेल्दी फिश है, बहुत अच्छा स्टॉक है। सुपर्ब, ये थोड़ा शायद इंज्यूर्ड है अपर साइड से। ठीक, ये और येलोफिन एंजल है। बहुत सारे हमारे क्लाउंस हैं। चलिए क्लाउंस को हम डायरेक्ट छोड़ते हैं। येलो बेली क्लाउन, वन मोर ग्रुप ऑफ येलो बेली क्लाउन कहाँ चले गए, निकलो सारे। यहाँ पर है हमारे पास बहुत सारे बहुत अच्छे वैरायटी के रेड एंथियस, बहुत अच्छा कलेक्शन है रेड एंथियस। Another flat fin trigger. Marvelous size of this butterfly. This vagabond butterfly is very beautiful. इस फिश का क्या बताएं इसके बारे में, इसका ब्यूटी के बारे में कुछ नहीं कहना है। ये वर्ल्ड के टॉप 10 ब्यूटीफुल फिशेस में से एक है, मॉरिस आइडल, इसको हम कह सकते हैं दी मॉरिस आइडल। ये है एक और मॉरिस, इट्स अनबिलीवेबल ब्यूटीफुल फिश मॉरिस आइडल।
एक और मॉरिसाइडल बहुत सेंसिटिव फिश भी है। हाँ, जैसा कि मेरा कैमरा पर्सन मुझे रिमाइंड कर दिया, ये टॉप 10 ब्यूटीफुल फिश भी है और टॉप 10 सेंसिटिव फिश भी। नॉट फॉर एवरीवन। ये बहुत खूबसूरत येलो हेड बटरफ्लाई है। ये है एक और रूप ऑफ एंथियस। एक और ग्रुप ऑफ एंथियस है। ये रीफ के लिए बहुत खूबसूरत फिश है, रेड एंथियस। ये है अनदर सेट ऑफ गोबी, वेरी हार्डी एंड ब्यूटीफुल गोबी। सेट ऑफ गोबीज। फ्रेंड्स वेलकम बैक। फाइनली हमारा सारा फिश रिलीजिंग हो गया है। बहुत बहुत वैरायटी और बहुत सारा क्वांटिटी दोनों ही आप देख चुके हैं। तो इस ब्रीफिंग को एक प्रॉपर वे में करने के लिए यहाँ पर जो हमने पैकेट का वाटर ड्रॉप किया था, जिस वाटर में फिश आए थे, मैं वो वाटर को रिड्यूस कर दे रहा हूँ और सिर्फ हमारे ड्रिपिंग प्रोसेस को फास्ट कर दे रहा हूँ। तो ये वाटर रिड्यूस हो गया है और ये हमारा ड्रिपिंग प्रोसेस का वाटर को हम फास्ट कर दिए। नेक्स्ट यहाँ पर भी वही प्रोसेस करना है। ये पानी में ऑलमोस्ट 36 आवर पैक था। सो एज अ रिजल्ट इस पानी का अमोनिया बहुत हाई है, अमोनिया बहुत रिच कर चुका है। तो ये हाई अमोनिया वाटर को हम रिलीज कर दे रहे हैं। ये अमोनिया वाटर ही मछली के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, इसको हम निकाल दे रहे हैं और हमारा फ्रेश टैंक का फ्रेश वाटर ड्रिपिंग में यूज होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने जो अमोनिया कंटेंट वाटर था, जिस वाटर में मछली आया हुआ था, वो वाटर को हम कम कर दिए हैं। ये वाटर कम हो गया है, काफी कम हो गया इनपे। अब यहाँ पर हम अपना ड्रिपिंग प्रोसेस को फास्ट कर दे रहे हैं। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक। फाइनली हम लोग का ड्रिपिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया और यू कैन सी द एनवायरमेंट लाइट। बाहर का लाइट देखोगे आप, मिड नाइट से डे हो गया, गाड़ी भी चलना शुरू हो गया। तो नाउ वी आर गोइंग टू रिलीज ऑल द फिशेस टू देयर रेस्पेक्टिव टैंक्स एज यूजुअल, और उसके बाद आप लोगों को कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा कि ये फिशेस अपने अपने टैंक में किस तरह से ड्यूटिफिकेशन शुरू करता है। आपका इस वीडियो में कंप्लीट रिलीजिंग पार्ट है, कंप्लीट ड्रिपिंग पार्ट है और हम जो शिपमेंट लाए हैं वो दिखा रहे हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो तुरंत इसके साथ ही और एक वीडियो मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीटली जो फिशेस टैंक में है, किस तरह से ये टैंक में ग्लैमरस शो कर रहे हैं अपना ग्लैमर, अपना कलर, इस कलर की बौछार को देखने के लिए कंप्लीटली स्टे ट्यून्ड विद अस। हमारा चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो में आपको पूरा क्लिपिंग मिल जाएगा ये अपने अपने टैंक में किस तरह से जरा है।
Thank you.